हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारी स्टैंडर्ड बुक आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशंस का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को हमारे को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखते हैं कि देखो पहले वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो वो सेक्शन फाइंड करना पड़ेगा जिस सेक्शन में क्या करेगा, ये नंबर लाई करेगा। तो -1/3 क्या होगा, तो देखो 0 से तो छोटा होगा और यहाँ अगर माइनस यहाँ 3/3 होता तो -1 आ जाता, तो वो माइनस का 1 यहाँ होता। लेकिन ये 1/3 है, यानी कि ये क्या होगा, -1 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 3 सेक्शन है तो इस पूरे पार्ट के क्या कर लो, 3 सेक्शंस बना लो। इसको क्या लिखा जा सकता है, 0/3 यहाँ हो जाएगा -1/3 यहाँ हो जाएगा -2/3 और -1 को क्या लिखा जा सकता है, -3/3 लिखा जा सकता है। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -1/3। तो -1/3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। -3/4 तो ये भी क्या करेगा, अगर ये 4/4 होता तो -1 हो जाता, लेकिन ये क्या होगा 3/4 है, तो ये क्या होगा -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। नीचे डिनोमिनेटर में 4 है तो इसके 4 सेक्शंस कर लेते हैं हम लोग। इसको 0/4 बोल सकते हैं, इसको -1/4, इसको -2/4, -3/4 और -1 को क्या बोला जा सकता है, -4/4 बोला जा सकता है। हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, -3/4, तो वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला है 1/3/1 and 2/3। तो ये -1 से तो क्या होगा, छोटा होगा, नेगेटिव में है इसलिए -1 से छोटा होगा, लेकिन समथिंग कुछ है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यानी -2 से बड़ा होगा। मतलब ये कहां लाई करेगा, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं -1 है, यहाँ कहीं -2 है, तो ये इसके बीच में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस कुछ है। अगर नेगेटिव को अगर नेगेटिव को हम इग्नोर कर दें थोड़े टाइम के लिए, तो क्या होगा, ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव लगा दो तो -1 और -2 के बीच में आएगा। तो अब क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। 3 और 2 कितना होगा, 5/3 माइनस का। तो अब क्या किया जाएगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, -3/3, क्योंकि 3 जा कितना, मतलब 3 हो जाएगा। और इसको क्या लिखा जा सकता है, -6/3, क्योंकि 6 के अंदर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम होगा। फिर यहाँ क्या करना है, इसके 3 सेक्शंस करने, तो ये सेक्शन -4/3 बनेगा या -5/3 बनेगा, और ये कितना है, -6/3 है। तो हमें ये क्या मिलेगा, -5/3। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये है, -3 और समथिंग कुछ है, तो ये कहा किसके बीच में लाई करेगा, यहाँ कहीं -3 है और ये कहीं -4 है, तो -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। आगे के नंबर्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, इसको पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 3 जा 21 + 1 कितना होगा, 27 माइनस का 27 बाई वो सॉरी 7 3 जा 21 + 1 कितना होगा, 22/7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो इस 3 को क्या लिखा जा सकता है, सबसे पहले तो इसको लिखा जा सकता है -21/7, क्योंकि कितना आएगा, डिवाइड करने पे 7 से 3 टाइम होगा। फिर यहाँ क्या, इसके 7 सेक्शंस करने हैं हमारे को, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सेक्शन होगा। इसको क्या बोलेंगे, -22/7, ये -23/7 होगा, ये -24/7, -25/7, -26/7, -27/7, और इसको क्या बोला जा सकता है, -28/7, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। आई होप आप लोगों के ये चीज समझ में आ गई होगी। हमें -22/7 को रिनोट करना था, तो वो कहाँ होगा, ये होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये -4 और समथिंग है, एंड -4 और -5 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ बना देता हूँ, यहाँ -4 होगा कहीं, यहाँ कहीं -5 होगा। इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं हम लोग। 5 4 जा 20 + 3 कितना हो गया, 23/5 माइनस का। इसको क्या बोला जा सकता है, -20/4 बोला जा सकता है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी -20/5 बोला जा सकता है, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो माइनस का 4 आएगा। फिर यहाँ इसको क्या बोला जा सकता है, -25/5 बोला जा सकता है। तो यहाँ बीच में क्या होगा, टोटल 5 सेक्शन करने डिनोमिनेटर के बराबर। तो यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 5 सेक्शन बना लिए, तो यहाँ क्या होगा, -21/5, -22/5, -23/5, -24/5 और यहाँ कितना है, -25/5 है। तो हमें -23/5 को डिनोट करना था, तो वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार पहले हम इसको देख लेते हैं, -3 को, तो -3 को तो हम डायरेक्टली डिनोट कर सकते हैं, 0 -1 -2
माइनस थ्री और माइनस फोर, तो माइनस थ्री कहाँ होगा, यहाँ हमारा माइनस थ्री डिनोट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना होगा, सिक्स टू जै ट्वेल्व प्लस सेवन, ट्वेल्व प्लस फाइव कितना हो गया, सेवनटीन, माइनस का सेवनटीन बाई सिक्स। तो अब इसको क्या करना है, पहले बात तो ये देखो कि कौन से सेक्शन में लाई करेगा, टू प्लस समथिंग है और नेगेटिव में, इसलिए माइनस थ्री और माइनस टू के बीच में लाई करेगा, नीचे डिनोमिनेटर में कितना है, सिक्स है, तो इसके सिक्स सेक्शन करने पड़ेंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनस ट्वेल्व अपॉन सिक्स बोल सकते हैं, इसको माइनस एटीन अपॉन सिक्स बोला जा सकता है, क्योंकि एटीन में सिक्स से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, थ्री टाइम होगा, और माइनस है तो माइनस थ्री हो गया, और ट्वेल्व में सिक्स से डिवाइड करेंगे तो टू टाइम होगा, माइनस है तो माइनस का टू हो गया। अब छह पार्ट करने, इसके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पार्ट हो गए, तो ये कितना होगा, माइनस थर्टीन अपॉन सिक्स, माइनस फोर्टीन अपॉन सिक्स, माइनस फिफ्टीन अपॉन सिक्स, माइनस सिक्सटीन अपॉन सिक्स, और ये हो जाएगा माइनस सेवनटीन अपॉन सिक्स। और हमारे को क्या डिनोट करना था, माइनस सेवनटीन अपॉन सिक्स डिनोट करना था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सेवनटीन अपॉन सिक्स। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, तो टू प्लस समथिंग कुछ दे रखा है और नेगेटिव में है, इसलिए क्या होगा, माइनस थ्री और माइनस टू के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ माइनस थ्री है कहीं और यहाँ माइनस टू है, तो माइनस टू इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, तो एट टू जा कितना होगा, सिक्सटीन प्लस सेवन कितना हो गया, माइनस ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई एट हो गया। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस 16 बाई एट लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो डिवाइड करोगे तो माइनस टू आएगा, नीचे 8 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है। इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस 24 बाई 8 लिखा जा सकता है। 8 सेक्शन करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन हो गए, तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस 17 अपॉन 8, माइनस 18 अपॉन 8, माइनस 19 अपॉन 8, माइनस 20 अपॉन 8, माइनस 21 अपॉन 8, माइनस 22 अपॉन 8, माइनस 23 अपॉन 8 और माइनस 24 अपॉन 8। 24 को 8 से डिवाइड करोगे, माइनस 3 आता है, यहाँ पे माइनस 3 दिया हुआ था, तो हमें किसको डिनोट करना था, 23 माइनस 23 अपॉन 8 को, तो कहाँ डिनोट होगा, यहाँ होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।